गुड मॉर्निंग। महारत इन इंग्लिश का सीरीज नंबर 13 है और यहाँ पर सीरीज वाई चल रहा है कि जैसे कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगी, कुछ ऐसा चल रहा है जो कि वर्ड मीनिंग वाला पोर्शन, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे यहाँ पर आज का जो है ओ एन जी है, ऑंग है ना, ओ एन जी को बोलते हैं आंग है ना, अंग से ज्यादा इसको औंग बोला जाएगा, मतलब ये चंद्रबिंदी रहेगी, औंग बोला जाएगा। अब जैसे इसके पहले अगर एस लगा दिया जाए, इसके पहले एस लगा दिया जाए तो एस ओ एन जी, ये हो जाएगा सॉन्ग, सांग नहीं बल्कि सॉन्ग है ना, एस ओ एन जी। इसके पहले ए एल लगा दो, ए एल, तो ए एल ओ एन जी, ये हो जाएगा अलोंग है ना, अलोंग या अलोंग बोलो, अलोंग। इसके पहले आप कुछ और लगा दो, जैसे एस टी आर लगा दीजिए, स्ट्रॉन्ग हाँ तो एस टी आर ओ एन जी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके पहले लगा दीजिए पी, तो पी ओ एन जी पोंग हो जाएगा आपका है ना, पोंग हो जाएगा, पोंग भी एक शब्द है। इसके बाद में इसके पहले आप लगा दो जी लगा दो, तो जी ओ एन जी, ये हो जाएगा गोंग, पोंग, जैसे सॉन्ग, पोंग, गोंग, एलोंग और स्ट्रोंग। इसके पहले डब्ल्यू आर लगा दीजिए, तो डब्ल्यू आर ओ एन जी, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके पहले आप लगा दो बिल, बेल, बी ई एल, तो बिलोंग बी ई एल ओ एन जी क्या हो बिलोंग जाएगा, बिलोंग। इसके पहले अगर आप एल लगा देते हो, एल, लॉन्ग तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा। इसके पहले आप और क्या लगाया जा सकता है, ए एम ओ एन जी क्या हो जाएगा, अमंग अमंग, अमंग नहीं बोलेंगे इसको, अमंग। अब याद रखना इसके केस में यहाँ अंग का साउंड है, जैसे इसको अमंग ना बोलकर इसको बोला जाता है अमंग, या जो अमंग मैं, अमंग मतलब मीन्स यहाँ अंग का साउंड दे रहा है ना, ये जो है अंग का साउंड दे रहा है अमंग, ये चीज तो एक भाई फोकस अलग से करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी काम करना है, क्लियर है, आपको कैसे काम करना है। जैसे एक तो ये हो गया एल ओ एन जी हो जाएगा लॉन्ग, दूसरा हो गया एस ओ एन जी सॉन्ग, तीसरा बी ई एल ओ एन जी बिलोंग, चौथा शब्द हो जाएगा फोर्थ एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग, और फिफ्थ हो जाएगा डब्ल्यू आर ओ एन जी रॉन्ग, सिक्स ए एल ओ एन जी एलोंग, और सेवन हो गया ए एम ओ एन जी एमंग, और एट हो गया जी ओ एन जी गोंग, और नाइन हो गया क्या हो गया, पी ओ एन जी पोंग, और नाइन पोंग है। अब क्या करना है आपको, फोकस करना है थोड़ा, कभी भी बुक को रीडिंग करो तो कहीं भी ओ एन जी मिले तो आपको कोशिश करना है कि उसको ओंग बोलना, दो साउंड निकलेगा ज्यादा तो ओंग निकलेगा, लेकिन लेकिन अंग भी निकलेगा है ना। जैसे अब यहाँ नौ शब्द हैं, आप लोग 10-5 शब्द तो खोज ही सकते हो, जहां भी नोट्स बनाओ, ये जो बनाया गया है देखिए, ये पूरा पेज ओपन है, ये ओपन है ना, इसलिए ओपन है क्योंकि यहां पर खुद डिस्कवर करना है ना। जैसे ऐसे 2-4 शब्द की लिस्ट और ऐड करना है और ऐसे आपको सोचना है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक कंडीशन रहती ना, शब्द ऐड करो लेकिन उसका मतलब निकलना चाहिए है ना, ऐसा कुछ करो यहाँ मिलाओ कि उसका जो है मतलब निकले। जैसे यहाँ लगभग सबका मतलब है, एल ओ एन जी लॉन्ग मीन्स होता है लंबा है ना, एस ओ एन जी सॉन्ग मीन्स होता है गाना या गीत, इस तरह से जो सिंपल सा है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके थ्रू केवल यही सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके पहले बताया गया था टी आई ओ एन, कहीं भी टी आई ओ एन हो तो सन बोलेंगे, नेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, रिलेशन, बहुत शब्द है ना। इसके पहले और बताया गया था टी यू आर ई, तो टी यू आर ई को आपको चर बोलना, जैसे फ्यूचर, स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से। और आज ये तीसरा है ओ एन जी, कहीं भी ओ एन जी रहे तो इसको बोलेंगे ऑंग, ऐसे छोटा छोटा करके, मतलब ऐसे जो है
जब मिल जाएगा तब बुक की रीडिंग कहीं भी होगी तो दिमाग में, कहीं ओ एन जी मिला दिमाग में क्या आएगा भाई, ऑंग बोला जाएगा, है ना। दिमाग में सबसे पहले तो यही होगा किसको, ऑंग बोला जाएगा, ठीक है। इसे लिख लो अगर ना लिखे हो तो।